ओ भाऊ, जरा उस सुधीर को समझा बुझा करके शांत करो। उसकी बेटी मरी है भाऊ। अरे हम उसका दुख समझते हैं, पर इसमें गलती किसकी? खत्म करो ये सब। ऐसा करो, लकड़ी खरीद करके जंगल में उस बच्ची का दाह संस्कार करो, और कोई पूछे तो कहना कि है जैसे मरी है। और सुनो, तुम खुद मत जाना, अप्पू को भेजना। ओ भाऊ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। अभी अभी आपने जो ऑडियो क्लिप सुनी, वो ऑडियो क्लिप किसकी थी? वो कौन लड़की थी जिसकी मौत हुई थी, और उसकी मौत का राज क्या था? आखिर वहाँ हुआ क्या था? WORK वर्क, हार्ड वर्क, HARD WORK हार्ड वर्क। ये क्या होता है? अरे अम्मा देखो, हार्ड माने कड़ा और वर्क मतलब काम, कड़ा काम, मेहनत वाला काम जो तुम करती हो। तो ये बात अपने पापा को बोल कि हम कितनी मेहनत वाला काम करते हैं, वो हार्ड वाला। अरे अम्मा, अगर हम पापा को कुछ कहने जाते हैं ना, तो वो उल्टा हमें काटने आते हैं। धत, बाप है तुम्हारे, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी। तुम्हें छठे मियाँ का गाना बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद। जैसे तुमको ये रेडियो सुनना पसंद है ना, हमको हमारा लोकगीत संगीत बहुत पसंद है। अब रोजी रोटी के चक्कर में बिहार छोड़ दी तो क्या, अपने रीति रिवाज भी छोड़ देंगे। सच्चे मन से आदमी जो भी मांगे ना, छठी मैया जरूर देती है। अच्छा अम्मा, तुम छठी मैया से क्या मांगती हो बताओ ना अम्मा। सूप कितने का? 40 रुपया का भैया। ठीक है, दो दे दो। ये लीजिए। ठीक। अम्मा 80 रुपए हुए, पर अंकल 90 रुपए दे गए। मैं देकर आती हूँ। अंकल, अंकल, आप ये 10 रुपए ज्यादा देकर चले गए थे। कोई बात नहीं बेटा, आप रख लो। नहीं अंकल, हम अपने हार्ड वर्क का ही पैसा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। काहे गई थी वहाँ? वो पापा, वो अंकल 10 रुपए। चुप! तुमको कितनी बार बोले हैं कि इसको यहाँ बाजार मत लाया करो। जवान हो गई है लेकिन अकल नहीं आई है, ना कटवाई की किसी ने हमारा। लेकिन कुछ बोली तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बैठो वहां, ध्यान रखो इसका। अम्मा, पापा हमसे प्यार नहीं करते ना? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनको जताना नहीं आता। लेकिन आज तुम उस आदमी के पीछे क्यों गई थी? तुमको पता है ना पापा कितना गुस्सा करते हैं। अम्मा, हम पापा की मार खा सकते हैं, पर गलत काम नहीं कर सकते। और आपने तो सिखाया था कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी बच्ची, तू सो जा। आप राशि को बात बात पर डांटा मत कीजिए, बच्ची को बुरा लगता है। आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? तुम ठीक तो हो? अरे रोज से नाटक है तुझा, हाँ मेरे को मेरा आज पूरा पैसा चाहिए। भैया हमारी बात तो सुनिए, कुछ वक्त और दे दीजिए भैया। 6 महीना हो गया भैया, काम धंधा एकदम ठप पड़ा है। काम काज ठप पड़ा है तो शाम को दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एक नंबर का घटिया आदमी है तू। अंकल, आप हमारे पापा से बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? ए, तेरे पापा को तो मैं जूता मार के भी बात कर सकता हूँ। नहीं भैया, बच्ची को माफ कर दीजिए भैया। भैया आप हमें ऐसे निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बस आप हमें
एक हफ्ते का वक्त और दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। एक हफ्ता? हाँ, उसके बाद एक भी दिन नहीं। और हाँ, अपनी बेटी को जरा समझा कि ज्यादा ना उड़े, वरना उड़ने वालों के पर कतरना अच्छे से आता है हमें। मंत्री जी, ये जमीन ले लीजिए, मिट्टी के भाव मिल रही है। सुधा, सुधा जल्दी आना सुधा। अरे जल्दी, इतनी देर कहाँ लगा, जल्दी चल। प्रणाम चाची, चल जल्दी। कुमुद, सुधा को समझा, राजा रंग पे शासन करता है, दोस्ती नहीं करता। दोस्ती बराबर वालों से होती है। बच्ची है वो। बच्ची है इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं उसे समझाने के लिए, नहीं तो मैं अपने तरीके से उसे समझा देता। तुम इतना मत सोचो, दे देंगे तुम्हारे पापा पैसे। और अगर नहीं दे पाए तो कहाँ जाएंगे हम? 8 years हो गए हमें सोलापुर में, अब तो अम्मा भी गांव को याद करने लगी है। तो तुम बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आए? पता नहीं, शायद काम के चक्कर में आए होंगे पापा। तो फिर मुंबई जाते या कोई बड़े शहर जाते, यहाँ क्यों? पता नहीं क्यों। अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? इधर उमेश भाई का मन चलेगा। अरे ऐसा मत कीजिए भैया, ये हमारी रोजी रोटी है। या ये घुमा के, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये उमेश भागवत के लोग हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेज बनेगा छठ पूजा के लिए। हट! अरे नहीं भैया, गरीब आदमी है, भूखे मर जाएंगे। क्यों नहीं उठा रही है फोन? पता नहीं वहां सब ठीक है कि नहीं। लगता है अम्मा आ गई। भाभी, राशि क्या हुआ? राशि को, राशि, भाभी, राशि, भाभी, कोटा, चल जल्दी आ, जल्दी। हाँ 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 भाभी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बच्ची को?
आई एम सॉरी, आपकी बच्ची नहीं रही। हेलो, ऐसा नहीं हो सकता साहब, आपसे जरूर कोई चूक हुआ है। देखिए, हमसे कोई चूक नहीं हुई है, आपकी बच्ची की मौत है जैसे ही हुई है। नहीं साहब, आप तब जाए थे इनको। अरे मेरी बात तो मानिए। क्या हो रहा है इधर? देखिए सर, मैंने आपको बुलाया, इनकी बच्ची की मौत है जैसे हुई है, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। कोई जांच पड़ताल की है? ऐसे ही बोल दिया। हाँ सर, रिपोर्ट है ना, आप रिपोर्ट पढ़िए। मैं बोल रहा ना, मैं बिजी अभी आता हूँ थोड़ी देर में। रिपोर्ट में तो सही लिखा है, एक काम करो, बच्ची की लाश दे दो, क्रियाक्रम कर देंगे। नहीं नहीं साहब, हमारी बच्ची को हैजा नहीं था। रिपोर्ट में तो ये लिखा है मैडम, और जब डॉक्टर कह रहे हैं तो सही बात होगी। अरे बोला ना मैं आ रहा है, आप एक काम करो, बॉडी हैंड ओवर कर दो। जी सर, ठीक है। साहब, साहब। अरे बोला ना तेरे को भाई। राशि का बलात्कार करके उसका खून किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि उसकी मौत कॉलरा की वजह से हुई है। तो क्या डॉक्टर से चूक हुई थी, या वो जल्दबाजी में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इन सब के पीछे कोई और ही बड़ा राज छुपा हुआ था। राशि का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मामला पूरी तरह से शांत हो गया, लेकिन सच पर कितने भी पर्दे डाल दो, सच तो सामने आ ही जाता है। सुनो नहीं ओ भाऊ, जरा उस सुधीर को समझा बुझा करके शांत करो। उसकी बेटी मरी है भाऊ। अरे हम उसका दुख समझते हैं, पर इसमें गलती किसकी? खत्म करो ये सब। ऐसा करो, लकड़ी खरीद करके जंगल में उस बच्ची का दाह संस्कार करो, और कोई पूछे तो कहना कि है जैसे मरी है। और सुनो, तुम खुद मत जाना, अब्बू को भेजना। ओ भाऊ, ये ऑडियो क्लिप मीडिया में पूरी तरह से छाई हुई है। हर तरफ ये खबर उछाली जा रही है कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सर, ये ऑडियो क्लिप सस्पिशियस तो है, लेकिन डेफिनेट नहीं। क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किस इंटेंशन से बोला गया। इसलिए इस केस की छानबीन के लिए हमने स्पेशल टीम तैयार की, जिसे तुम लीड करो। देखो, कुछ हुआ भी था या वैसे ही न्यूज क्रिएट करने के लिए इस ऑडियो क्लिप की सनसनी फैलाई जा रही है। सर, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस ऑडियो क्लिप के सोर्स के बारे में? सोर्स का पता चल गया, सोलापुर के कांस्टेबल अनिल शिंदे के मोबाइल से ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई। इसमें कांस्टेबल अनिल शिंदे और वहाँ के PSI उमाकांत पुरोहित की आवाज। घटना 15 दिन पहले की, 30 अक्टूबर। हो भाऊ, जरा उस सुधीर को समझा बुझा करके शांत करो। उसकी बेटी मरी है भाऊ। अरे हम उसका दुख समझते हैं, पर इसमें गलती किसकी है? खत्म करो ये सब। ऐसा करो, लकड़ी खरीद करके जंगल में उस बच्ची का दाह संस्कार करो, और कोई पूछे तो कहना कि है जैसे मरी है। और सुनो, तुम खुद मत जाना, अब्बू को भेजना। हो भाऊ, तुम दोनों की आवाज है ना? सर, ये मेरी ही आवाज है, पर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें ऐसा मैं क्या गलत कह रहा हूँ। अगर गलत नहीं कह रहे हो तो मीडिया को ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को मार कर केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई? सर, कुछ रफा दफा करने की कोशिश नहीं की गई। मैं खुद अस्पताल गया था, बच्ची की लाश को भी मैंने देखा था, है जैसे मरी थी वो। ये देखिए साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट। बच्ची की फैमिली वाले डॉक्टर से लड़ रहे थे, डॉक्टर ने हमसे ऐसा बोला, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि बच्ची की लाश को फैमिली को सौंप। और ये लकड़ी पहुंचा के बच्ची को जलाने की बात? वो क्या है ना साहब, बच्ची के फैमिली वाले बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। मैंने तो बस उनकी मदद की, दाह संस्कार का इंतजाम किया था बस। ये देखिए साहब, बच्ची के पिता ने खुद दाह संस्कार किया था, कोई मामला रफा दफा नहीं किया गया। हम पुलिस वाले हुए तो क्या हुआ, दिल तो हमारे पास भी है ना साहब, बच्ची मरी थी उनकी, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था। कांस्टेबल अनिल शिंदे। हो सर। वो ऑडियो क्लिप तुम्हारी फोन से वायरल हुई थी, क्यों की थी वायरल? मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो मेरे मोबाइल में अपने आप कॉल रिकॉर्ड हो जाते हैं। वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था ना साहब, इसके लिए मैं वो बनाने के लिए दिया था दुकान में, तो मोबाइल बनाने वाले ने ही उसको वायरल कर दिया, उसको लगा कोई स्पेशल न्यूज है। सर, मुझे तो नहीं लगता ये दोनों सच बोल रहे हैं। मैं भी उनकी बातों से कन्विंस तो नहीं हूँ, लेकिन ऑडियो क्लिप में ऐसा भी तो कुछ नहीं है जिसकी वजह से हम पुरोहित पर उंगली उठा सकें। बच्ची के परिवार से बात करते हैं। सर बताइए, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? पता नहीं साहब, लेकिन हैजा तो नहीं हुआ होगा। उस दिन राशि स्कूल गई थी,
सूप और डलिया के फेरी के लिए भी गई थी, और अगर वो बीमार होती तो हमको तो पता होता ना। आप में से किसी से उसने कुछ कहा था? नहीं, कुछ कहा तो नहीं था सर। उस दिन बाजार में सबके दुकान और ठेले टूट रहे थे, राशि वहां पर आई थी, मुझे लगा शायद उसको कुछ लग जाएगा, तो हमने भेज दिया था उसको घर पे। एक बात बताइए, उसका क्रियाक्रम आपकी मर्जी से हुआ था या फिर कोई जोर जबरदस्ती की गई? गरीब की मर्जी का कोई मान होता है क्या साहब? हमारा मकान मालिक हमारे सर पर खड़ा था, हमारा राशि का बहुत ऐजा से नहीं हुआ है, हम बड़े साहब को बोलेंगे पड़तालने को। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस घर में पुलिस नहीं आना चाहिए, इस बात को यही खत्म करो। अगर नहीं कर सकते तो मेरा घर अभी के अभी खाली करो और इस लाश को भी लेकर चले जाओ, और फिर करते रहो जो करना है वो। ठीक है भैया, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। फिर एक पुलिस वाला है और बोला लकड़ी का इंतजाम हो गया, आनंद पानन में हमारी बच्ची का लाश उठाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। हमारे में तो कुंवारी लड़की के मरने के बाद उसको आग में जलाते भी नहीं, जमीन में दफनाते। साहब ये सब मेरे घर के अंदर हुआ था, पर ज्यादा पुलिस कोर्ट कचहरी होती तो मेरा ही घर बदनाम होता ना, बाद में कोई भाड़ूत्री नहीं मिलता। लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती रट लगाई बैठी थी कि उसे हैजा नहीं हुआ था। अतः तुम ही सांगा साहब, मैं डॉक्टर की बात मानू या उसके माँ की? मैं कह रहा हूँ ना, बच्ची को हैजा ही हुआ था। तो बच्ची के घर वाले झूठ कह रहे कि उसे हैजा नहीं हुआ था? अब सर ये भी तो हो सकता कि घर में किसी का ध्यान ना गया हो, बच्ची को समझ ना पाई हो और एकदम से बेहोश हो गई हो, और सर इस हैजा का इलाज अगर सही समय पे ना हो तो इंसान की मौत भी हो सकती है। बाय एनी चांस उसका पोस्टमार्टम हुआ था? सर ऐसी बीमारी में लोग पोस्टमार्टम नहीं करते, और वैसे भी इस एरिया में हैजा बहुत फैला है। ठीक है, थैंक यू। सर मुझे तो इस केस में कोई मैनिपुलेशन लग नहीं रही है। यही तो पता करना है विवेक, ये केस वाकई में उतना ही साफ है जितना दिख रहा है। एक बात तो है कि अगर बच्ची को हैजा हुआ था, इसका मतलब चांसेस है कि घर में किसी ना किसी को तो हैजा हुआ होगा, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी। सबके रिपोर्ट्स निकलवाओ। राइट सर। सब पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। राशि की माँ लक्ष्मी और चाचा गौतम को तो हैजा नहीं हुआ था, लेकिन बाप सुधीर को हुआ था। इसका मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि राशि को भी हैजा हुआ होगा। हो तो सकता है सर, वैसे भी बच्चे साफ सफाई के साथ कहाँ रहते हैं। आप एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ हाँ बताता हूँ। अरे बताता हूँ बताता हूँ, ठीक है ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो घर से वाइफ का कॉल था, पूछ रही थी कब तक आओगे। मुझे कह दो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, वैसे भी मुझे यहाँ केस ही नज़र नहीं आ रहा है। सही कह रहे सर। हाय, आई एम राशि सरोज, आई एम 14 इयर्स, आई वांट बी टीचर, आई लव माय मदर बहुत सारा, आई लव माय फादर आल्सो पर थोड़ा थोड़ा, because he no love me। पीपल के भुतनिया चढ़ गई है माथा पर, आईना में देखकर खुद ही से बतिया रही हो। अरे अम्मा, अब अगर हम खुद से नहीं बतियाएंगे तो किसे बतियाएंगे? यहाँ थोड़ी आती किसी को इंग्लिश। हम ही बस्ती छोड़कर इंटेलिजेंट लोगों के बीच में जाएंगे, दिल्ली मुंबई वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, और जाओगी कैसे, पैसा कहाँ है? एक बार हम अंग्रेजी बोलना सीख जाए ना, फिर वीडियो बना बना कर वायरल कर देंगे, फिर देखना कैसे बुलाया करेंगे तुम्हारी बिटिया को लोग काम पर। अच्छा, तो वायरल होएगी हमारी बिटिया। हाँ। क्या है उस ऑडियो क्लिप का सच? क्या सच में किसी मासूम के साथ कुछ गलत करके उसे मार दिया गया और इस बात को रफा दफा किया गया? आखिर क्या हुआ था उस बच्ची के साथ? क्या सच में उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? अब तुमको सब जानने लगे है राति, वायरल हो गई हो तुम, लेकिन उसके लिए हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी।
चला हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ था साहब? देखिए अब तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि राशि को हैजा ही हुआ था, और तो और आपके पति को भी हैजा हुआ था। हमको नहीं पता साहब, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ था। देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात सबूतों के आधार पर करती, और अब तक हमें जो भी सबूत मिले हैं वो इसी तरह इशारा करते हैं कि राशि की मौत हैजा से ही हुई थी। हम जानते हैं आप लोग बहुत व्यस्त रहते, राशि के बारे में छानबीन करने के अलावा भी दुनिया भर का काम पड़ा है आपके पास, लेकिन साहब हमारी तो एक ही बच्ची थी ना, हमारी राशि तो वापस नहीं आएगी ना साहब। अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके साथ हुआ क्या था, तो कम से कम मरने के वक्त हमारी सीढ़ी पर कोई सवाल का बोझ तो नहीं रहेगा ना साहब। अब आप क्या हाथ जोड़ते हैं साहब, आप जांच कीजिए साहब। सर ये डॉक्टर दिनेश की रिपोर्ट और ये राशि की डेथ सर्टिफिकेट। पर आई एम सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ढूंढ क्या रहे हैं। मुझे भी नहीं पता विवेक, लेकिन अगर राशि की माँ इतनी कॉन्फिडेंट थी कि राशि को हैजा नहीं हुआ था कुछ और हुआ था, तो आई एम श्योर कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन सर हम इस केस को ऑलरेडी इतने अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, कुछ भी तो सस्पिशियस नहीं निकला। विवेक। यस सर। विवेक ये डॉक्टर देखो, ये हॉस्पिटल के काफी फोटोज में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राशि का केस इसी के अंडर में था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में ये डॉक्टर तो नहीं दिखा था हमें। तो वाकई में हॉस्पिटल में नहीं था या फिर जानबूझकर हमसे छुप रहा था, इसके बारे में पता करो। सर ये तो डॉक्टर मनीष है। डॉक्टर मनीष अभी कहाँ मिलेंगे ये? अभी यहाँ पर काम नहीं करते ये, कुछ 15 दिन हो गए इनको नौकरी छोड़े हुए। अक्टूबर को राशि की मौत हुई, राशि का केस आप ही देख रहे थे ना? जी। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसी दिन यानी कि 30 अक्टूबर को ही आपने नौकरी छोड़ दी? सर मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, मुझे नौकरी से निकाला गया था। निकाला गया क्यों? पता नहीं सर। क्या करो मनीष? सर मुझे लगता है बच्ची के साथ। तुम जाओ मैं देख लूंगा। लेकिन सर। मनीष मैंने कहा ना तुम जाओ। सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस शाम को उसकी थाइस पर थोड़ा खून देखा था। और आपने ये बात पुलिस को बतानी जरूरी नहीं समझी? सर उसके बाद डॉक्टर दिनेश हैंडल कर रहे थे, वैसे सर ये बात मैंने राशि के चाचा गौतम को बताई थी। और उसी शाम को डॉक्टर दिनेश ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन सर गौतम ने हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया? इसका जवाब तो गौतम ही देगा। वो सर वो मैं जब डॉक्टर मनीष ने तुझसे कहा कि राशि के बॉडी पर खून मिला था, तो ये बात तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? हमें सर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था जो डॉक्टर मनीष ने कहा था। फिर बड़े वाले डॉक्टर ने कहा कि उनको हैजा है, तो सर हमको लगा कि बड़े वाले डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा, इसलिए ये बात हमने पुलिस से छुपाई थी सर। डॉक्टर मनीष को नौकरी से क्यों निकाला? सर डॉक्टर मनीष लापरवाह था, मैंने कई बार उसे वार्निंग दी, लेकिन उसकी लापरवाही में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ऐसे डॉक्टर की वजह से मैं अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, तो नौकरी से निकाल दिया उसे। भाई ये सब राशि के केस के चक्कर में तो नहीं किया? सर मैंने आपसे पहले ही कहा है उसे हैजा हुआ था। डॉक्टर मनीष ने तो कहा था कि उसने राशि की बॉडी पर खून देखा था। हाँ हाँ सर था, वो बच्ची का महीना चालू था सर। राशि ने तो हमको नहीं बताया था साहब कि उसका महीना चल रहा था, अगर ऐसा होता तो हमें तो पता होता, उसको उन दिनों बहुत दर्द होता था। आप यकीन के साथ ये बात कह सकती? यकीन के साथ तो नहीं कह सकते। राशि की बॉडी घर में कहाँ मिली थी? घर के पीछे वाले हिस्से में साहब यहाँ पड़ी थी हमारी राशि। राशि की आपकी किसी से कोई दुश्मन? गरीब की दुश्मन तो उसकी गरीबी होती है साहब।
हमारी राशि तो बहुत मिलनसार थी साहब। राशि का मोबाइल? उसका मोबाइल तो मिला नहीं साहब, चोरी हो गया लगता है। अच्छा बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था? हम बाजार से आ रहे थे तभी गौतम हमारे पास दौड़ता दौड़ता आया। तो तुम सबसे पहले आए घर में? हाँ सर, हम सबसे पहले आए थे। कितने बजे आए थे? 2:15 बजे सर, हमें याद है। उसके पहले हमने किसी को फोन किया था, तो उसके बाद हमने मोबाइल चेक किया था, 2:15 बज रहे थे। पर आप उस वक्त कहाँ थे? मंच बनाने के लिए उमेश भागवत के लड़का लोग हमारा ठेला तोड़ दिए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था साहब, तो हम पीने के लिए ठेके पर चले गए। राशि के बारे में हमें बाद में पता चला। विवेक सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। राइट। सर उस जगह पे जो दांत मिला है उसमें सिल्वर फिलिंग है। लक्ष्मी का कहना है कि राशि के दांत में कीड़े लगने की वजह से उसमें चांदी भरवाई गई थी, और जो नाखून मिला है उस पर वही नेल पेंट लगा है जो उस दिन राशि ने लगाया था। ये नाखून और दांत को डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और पता करो कि ये राशि के हैं या नहीं। सर आपको सच में ही लगता है कि राशि के साथ सच में ही कुछ गलत हुआ होगा? पक्के से नहीं कह सकते विवेक, क्योंकि घर के जिस हिस्से में वो लाश मिली थी वहां ज्यादा साफ सफाई होती नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दांत और नाखून पहले कभी टूट कर गिरे हो। एक और बात सर, क्राइम सीन में हमें ये बटन भी मिला है, लेकिन घर वालों का कहना है कि इस बटन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। विवेक ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर पर आया था और उसका बटन ये टूट कर गिरा होगा। इस सब से कुछ साबित नहीं होता, कुछ भी हो सकता। एक काम करो, राशि के बारे में सारी डिटेल्स निकालो, उसके दोस्तों से बात करो, आस पड़ोस में सबसे बात करो। राइट सर। साहब जी अच्छा हुआ बच्ची मर गई, वरना उसका बाप ही उसे मार डालता, रोज मारपीट करता था। सुधा बेटा एक बात बताओ, राशि का कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई भी जिसके साथ वो बहुत ज्यादा समय बिताया करती थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी, कोई अनबन, कोई झगड़ा हुआ हो? हाँ मैडम, उस दिन हमने किसी को घर में जाते हुए तो देखा था। केसरी रंग की चेक की शर्ट पहने हुए था। बाकी तो हम ज्यादा कुछ देख नहीं पाए। फिर सुनाई दिया कि बच्ची को हैजा हुआ और वो मर गई। सर पड़ोस की एक औरत का कहना है कि जिस दिन राशि की मौत हुई थी उस दिन उसने एक आदमी को राशि के घर की तरफ जाते हुए देखा था। अच्छा? हाँ सर। सर उस औरत ने उस आदमी की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन इतना बताया था कि उस आदमी ने केसरी कलर की शर्ट पहनी थी, चेक शर्ट। और कुछ? सर आसपास में सभी का कहना है कि लड़की का बाप लड़की को ज्यादा पसंद नहीं करता था, आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब होती रहती थी। ये बाप की कुंडली निकालो सर। और बच्ची के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? सर उसके मोबाइल को मैंने ट्रैक करके कॉल रिकॉर्ड निकालने के लिए कह दिया है। एक और बात सर, उस बच्ची के मोबाइल से एक वीडियो वायरल हुई थी उसके स्कूल टीचर की, मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिए। KNOT कनोट, APPLE एप्ली। सर इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूल टीचर की बहुत बदनामी हुई थी, इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। हाँ सर, राशि ने ये वीडियो बना के वायरल कर दिया था। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा नहीं? हाँ सर आया था, फिर शांत हो गया क्योंकि राशि ने खुद आके मुझसे माफी मांग ली थी। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी। वो वीडियो तो हमने मजाक में बना दिया था सर। नहीं राशि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सारी गलती हमारी है। अरे जो हम खुद नहीं जानते वो बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं, और हम वही करेंगे जो हम अच्छे से कर सकते हैं। मैं क्या करता सर, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी सर कि मैंने जुगाड़ लगा के टीचर की नौकरी की सर, मेरे पास कोई काम नहीं था। सुनो एक कप चाय बना के दो ना। क्या कर रही है सब? नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी, रात भर तुम शराब पियो और दिन को मैं तुम्हारी सेवा करूँ? बस करो सुनैना, तुम गुटता मेरा। यस सर, शाम तक डिटेल्स भेजता हूँ। राइट सर, राशि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। वो अक्सर एक लड़के से बात करती थी, नाम है पूरव भगवत,
यह पूर्व भागवत एक बहुत ही पावरफुल आदमी उमेश भागवत का बेटा है। ये राशि पूर्व भागवत से बात क्या करती होगी? सर वो तो नहीं पता, लेकिन पूर्व की बहन सुधा राशि की बेस्ट फ्रेंड। फिर तो ये भी हो सकता है कि सुधा अपने भाई का फोन यूज करती हो राशि से बात करने के लिए। हो तो सकता है सर, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, वो फोन जिससे बात होती थी वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन दूसरे सिम से। दूसरा सिम? सर किसका सिम? उसका चाचा गौतम। कुछ मिला? नहीं सर। आप क्या ढूंढ रहे साहब? सर। हाँ बेबी। ये देखिए, ये तुम्हारा कमरा है? हाँ साहब, इसी का कमरा है। और ये राशि का मोबाइल है? हाँ हाँ साहब। राशि का मोबाइल तुम्हारे कमरे में क्यों छुपा है? बोल। सर हम वो राशि का चक्कर चल रहा था पूरब के साथ, और हम नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए हमने ये फोन हमारे पास छुपा के रखा था सर। ये पूरब को उठाओ। सर तो राशि और तुम्हारा अफेयर चल रहा था? सर मैं राशि को बहुत लाइक करता था, वो भी मुझे लाइक करती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारे लिए। तुम समझते का है नहीं, पहले पापा हमारी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से अम्मा उन्हें रोक रही है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो फिर वो अम्मा की भी नहीं सुनेंगे। चल सुधा। तो कहीं गुस्से में तुमने ही तो। सर मैं राशि से बहुत प्यार करता था, उसे कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि वो खुद मेरे पास आएगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतनी दूर चले जाएगी। उमेश जी आपको पता था कि आपके बेटे पूरव का अफेयर राशि के साथ चल रहा था? नहीं, मुझे अगर पता होता ना तो मैं खुद उसे मरवा देता। सर ये बहुत पावरफुल आदमी है, अगर सच में राशि के साथ कुछ हुआ भी होगा तो इनके हाथ में इतनी ताकत है कि ये यहाँ के सारे लोकल पुलिस और डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। जब तक हमारे हाथ कोई सबूत ना लगे तब तक हम सिर्फ शक कर सकते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सर राशि के पिता सुधीर के बारे में कुछ पता चला है। ये सुधीर एक हिस्ट्री शीटर है। व्हाट? हाँ सर, ये लोग पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। आज से 8 साल पहले सुधीर ने एक लड़की का अगवा किया था, उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला सर। मतलब 8 साल से वो ये छुपा है? हाँ सर, अब इस केस के बारे में जब मैंने उसके गांव वालों से पूछताछ की तब जाके ये पता चला। सर सुधीर अपने 14 साल की बेटी की शादी एक 40 साल के आदमी के साथ करवाना चाहता था, उसका नाम है दीपक। क्या? सर एक बात और, सुधीर ने हमें कहा था कि 30 अक्टूबर के दिन वो मार्केट से पहले सीधा ठेके पर गया था, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक इसके बीच करीब 2 बजे वो घर के आसपास ही था, उसके बाद वो बगल वाले गांव में गया था जहां दीपक रहता था। गौतम के मुताबिक उसने 2:15 बजे राशि की लाश घर पे देखी, और ये सुधीर 2 बजे के करीब घर के आसपास था। बिहार से कांड करके तुम यहां सोलापुर में आके छिप गए? लड़की अपनी मर्जी से हमारे दोस्त के साथ भागी थी साहब, उसके माँ बाप को जब वो लड़की नहीं मिली तो उन्होंने हम बाकी दोस्तों को बहुत मारा पीटा और हमारी रपट भी लिखवा दी साहब। हम बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को लेकर वहां से भागे। उसकी पड़ताल तो हम कर ही लेंगे, तू ये बता कि 30 तारीख को 30 अक्टूबर को 2:15 बजे तू कहां था? साहब हम ठेके पर पी रहे थे। तुम ठेके पर नहीं थे, तुम घर पर थे, और तुमने अपनी बेटी की जान ली ना, तुमने अपनी बेटी की जान। नहीं साहब, हमने अपनी बिटिया की जान नहीं ली। हम घर गए जरूर थे साहब, हम राशि की कुंडी लेकर सीधा दीपक बाबू के पास गए शादी की तारीख पक्का करने। एक 40 साल के आदमी के साथ अपनी 14 साल की छोटी बच्ची की शादी करवाना चाहते थे तुम? घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी साहब, और दीपक बाबू बहुत पैसे वाले थे, राशि के बदले 50,000 देने को तैयार थे, पर लक्ष्मी हमें बार बार रोक रही थी साहब। अगर आप ऐसा कुछ भी किया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। अच्छा, जान देकर क्या होगा? अरे कम से कम शादी तो रुक जाएगी, अब हमारे बच्चे की शादी नहीं होती, कह देते हम। आप ऐसी बातें मत कीजिए समझे, भूल जाएगी इस बारे में। हमको पता चला कि तू अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था, उसे मारता पीटता था। हमें बेटा चाहिए था साहब, लोग हमें नामर्द कहते थे, कहते थे कि बेटा बेटी औरत की वजह से नहीं मर्द की
कमजोरी की वजह से होता है साहब। हम किसी को कुछ भी नहीं कह पाए, हम तो अभी भी कोशिश कर रहे थे कि हमारा बेटा हो, पर हमारी बीवी की बच्चादानी खराब थी, वो बच्चा नहीं कर सकती थी, पर हम अपना सारा गुस्सा सारी नफरत अपनी राशि पर निकालते थे साहब। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो दांत और नाखून राशि के ही थे। डीएनए से तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये कैसे कंफर्म करेंगे कि राशि के साथ वाकई में कुछ हुआ था? विवेक, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं, या तो इनमें से कोई जानबूझकर हमसे कुछ छुपा रहा है, या फिर सच में यहां पर किसी को कुछ भी नहीं पता। एक काम करते हैं विवेक, राशि की मौत की गुत्थी को सुलझाने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। 30 अक्टूबर को इस शहर में, खास करके राशि के घर के आसपास क्या हुआ था वो सारा डेटा निकालो, शादी, मुंडन, गोद भराई, चोरी के मामले, सारी चीजें खंगालो और देखो कि यहाँ क्या क्या हुआ, और खास करके राशि के घर के आसपास कौन कौन देखा गया। राइट सर। सर, राशि के मोबाइल से कुछ रिलेटेड मैसेज रिकवर किए गए हैं। हमको चुमा दोगी, बहुत अच्छी लगती हो तुम हमको, कभी मेरे साथ एक रात गुजारो। ये मैसेजेस पूर्व के नंबर से आए? नहीं सर, राशि के चाचा गौतम के नंबर से। मुझे माफ कर दीजिए सर, राशि मुझे अच्छी लगती थी सर। हो सकता है कि राशि की माँ लक्ष्मी जो कह रही थी वो सच हो, हो सकता है कि वाकई में राशि के साथ बहुत बुरा हुआ हो और वो बुरा तूने ही किया हो, और तूने ही राशि का रेप करके उसको मार डाला। मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर उसको। तब तक इसकी ठुकाई करो जब तक सच अपने आप इसके मुंह से निकलने ना लगे। पुलिस ने गौतम से कड़ी पूछताछ की, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने कुछ भी किया। पुलिस ने गौतम, सुधीर और पूरव की अच्छे से छानबीन भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्हें लगा था कि राशि का केस पुलिस फाइल्स में कहीं खो कर रह जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने छानबीन को एक नई दिशा दे दी। सर, 30 अक्टूबर के दिन भर का डेटा निकाला, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन उस दिन यहाँ सोलापुर में एक आदमी पकड़ा गया था, नाम है प्रभात। ये प्रभात 29 अक्टूबर को अपनी वाइफ का मर्डर करके उसके बॉडी के 8 टुकड़े करके अलग अलग जगह डंप कर रहा था। यहाँ सोलापुर से भी उसके बॉडी के 3 टुकड़े बरामद किए गए थे, फिर पुलिस ने उसे सोलापुर हाईवे के पास से गिरफ्तार किया। तो सर, प्रभात अपनी वाइफ के बॉडी के टुकड़े जहाँ डंप कर रहा था वो राशि के घर के पास ही है, और जिस वक्त वो डंप कर रहा था उसी वक्त राशि की मौत हुई। सिर्फ अपनी बीवी का खून किया था या किसी और का भी? मेरी बीवी को मारने में बहुत देर कर दी मैंने, इतना चकचक करती थी, दिन रात का लड़ाई झगड़ा, तंग आ गया था इसलिए मार दिया, और किसी को क्यों मारूंगा साहब। जब तुम अपनी बीवी के शरीर के टुकड़ों को दफना रहे थे उसी वक्त उसी एरिया में एक और लड़की की मौत हुई थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। साहब, मैंने एक बच्ची की मौत के बारे में सुना था, और हाँ साहब, आप इसे इत्तेफाक समझो या कुछ और, लेकिन उस टाइम पर मैं वहीं था, लेकिन उस बच्ची को मारने में मेरा हाथ नहीं साहब। बच्ची के घर के पास में व्हाइट कलर की एसयूवी कार थी। विवेक, ये व्हाइट एसयूवी के बारे में पता करो और देखो कि उस दिन उस एरिया में ऐसी कौन सी एसयूवी थी। राइट सर। सर, उस व्हाइट एसयूवी का पता चल गया है, हमने पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल डाले, और वो गाड़ी इसी पुलिस स्टेशन में आई थी। अच्छा। यस सर। इसकी यही सज्जन सिंह पुणे में रहता है, उमेश भागवत का खास है। सर, आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। दीदी, ये देखिए सर, इस गाड़ी के यहाँ आने के 10 मिनट बाद ही पुरोहित बाहर निकलता है, केसरी कलर की चेक शर्ट पहन के, और आधे घंटे बाद जब वापस लौट के आता है, ये देखिए, तब तक उसकी शर्ट बदल चुकी होती है। पुरोहित, सर, राशि के घर में जो बटन मिला था वो इसी शर्ट का, ये देखिए, सेम बटन, और इस शर्ट में ब्लड मार्क्स भी है। और ये किसका खून है? राशि।
राशि की लाश जिस कमरे से मिली वहां हमें यूरिन के ट्रेसेस भी मिले, तुम्हारे सैंपल से मैच करते हैं। तुम लोगों ने मिलकर किया ना ये, और उमेश ने कहा था ना करने के लिए? नहीं, उमेश भाई ने नहीं कहा था ये करने के लिए, लेकिन मना भी नहीं किया था। ये लड़की कहाँ बैठ रही है, निकल यहाँ से। इतनी सारी जगह है यहाँ पे, इस पूरी बेंच पे आप अकेले बैठेंगे? ज्यादा बोल मत, निकल यहाँ से। मैं तो यहीं बैठूंगी, आपको जाना है तो जाओ। ये लड़की, अरे उमेश भाई, इन लोगों की इतनी औकात जो बगल में आके बैठेंगे? आपका राज ना तभी तक है जब तक ये लोग डर के रह रहे। तुझे बुरा लगा क्या? आपका लिहाज नहीं होता ना तो अभी औकात दिला दे इसकी। तो दिखा दो, तुम्हें किसने रोका है? उमेश भाई के आदमियों ने मंच बनाने के लिए बवाल कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी। वहीं से उस लड़की को हमने घर वापस जाते हुए देखा, वहां से हम सीधे थाने आए और पुरोहित को सब कुछ बताया। अरे तुम लोगों को बच्ची को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं संभालूंगा, ठीक है? इन लोगों को ना पैर की जूती बनकर रहना चाहिए, अगर सर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो औकात तो दिखानी पड़ेगी ना। पैर की जूती, औकात? दूसरी जात वाली लड़की हमारे बाजू में नहीं बैठ सकती, हमको छू नहीं सकती, पर उसी लड़की पर बलात्कार करते वक्त, बेरहमी से उसका खून करते वक्त तुम उसको छू सकते हो? तब तुम्हारी ये सोच अचानक गायब हो जाती। ऐसी दोगली सोच से समाज में सिर्फ हैवान पैदा होते हैं, इंसान नहीं। माना जाता है कि आज से 6 लाख साल पहले मानव का विकास शुरू हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। उससे पहले तक हम किसी भी आम जंगली जानवर की तरह थे। फिर धीरे धीरे हमें ये समझ आया कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो समाज का निर्माण करना होगा, जहाँ ताकतवर कमजोरों की बाकी जानवरों से रक्षा करेंगे, सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। सोचिए, हम जब जानवर के स्तर पर थे तो हमने इंसान बनने के लिए कितनी बड़ी बात सोची, और आज लाखों साल बाद हम में से कितने हैं जो इंसान होकर भी जानवर जैसी सोच रखते हैं। ये कहानी किसी एक राशि की नहीं है, बल्कि ये उन सब मासूम बच्चियों की है जो किसी न किसी शक्तिशाली इंसान के हाथों शोषण का शिकार बन जाती हैं। अगर किसी के पास शक्ति है तो उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए समाज की भलाई के लिए, न कि समाज को गर्त में धकेलने के लिए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।